नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी है। जो लोग खुश रहते हैं उनके जीवन में कोई भी समस्या बहुत देर नहीं टिक पाती। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही सुंदर और कारगर विषय है। ये क्रिया उन लोगों के लिए है दोस्तों जो लोग उनके शत्रु का सामना करने में असमर्थ है और शत्रु है कि उनको जीने ही नहीं दे रहा है। मेरा कहने का मतलब, शत्रु ताकतवर है और जो लोग उसके शिकार बन रहे हैं वो बेचारे कमजोर लोग हैं। तो ऐसे लोग शत्रु का सामना तो कर नहीं सकते, तो फिर शत्रु से बचने के लिए उन लोगों के पास ये उपाय बहुत ही कारगर साबित होगा। दोस्तों ये शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है, ये क्रिया आपको शनिवार दोपहर बाद, मतलब शनिवार शाम के समय करें तो सबसे बेस्ट होगा। नहीं तो आप शनिवार के दिन में, पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, दिन अस्त होने के बाद नहीं करना दोस्तों। सूर्योदय से सूर्यास्त तक शनिवार में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही पावरफुल रिजल्ट चाहिए तो आप 4 बजे से 6 बजे के बीच में करें शाम को, तो ज्यादा असरकारक होगी। आपको कहीं से भी भांग, जो भांग लोग खाते हैं, भांग की एक गोली ले आनी है और आपको सेंधा नमक ले लेना है। भांग की गोली और सेंधा नमक, सेंधा नमक को भांग की गोली में आपको मिला लेना है, मिक्स कर लेना है, और मिक्स करके उसकी जैसे हम दीपक जलाने के लिए बाती बनाते हैं उस टाइप से आपको एक बाती जैसी बना लेनी है, मोटी रहनी चाहिए। उस बाती के ऊपर आपको जो शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा है उस शत्रु का नाम लिख देना है दोस्तों। क्या करना है, भांग और सेंधा नमक मिक्स करके उसकी एक लंबी सी बाती बना लेनी है और उस बाती पे कोई भी लकड़ी या कोई कील कुछ भी लेके उससे नाम लिखना है। नाम इस तरह से लिखें दोस्तों, अगर वो पढ़ने में नहीं भी आएगा तो कोई टेंशन नहीं है, पर आपको वो अक्षर बनाने हैं, वो छपे ना छपे कोई मायना नहीं रखते, उसका नाम लिखना है और शत्रु का 5 बार उस टाइम नाम बोलना है। कब, ये बाती आपको जलानी है ले जाके, या तो आप अपनी छत पे चले जाएं या फिर कहीं बाहर या घर में कोई ऐसा खुला स्थान हो वहां जला दें। बस आपको ध्यान इतना रखना है दोस्तों कि ये क्रिया करते समय आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, टोके नहीं, ये ध्यान रखना है। उस बाती को लेके आप किसी भी एकांत स्थान में, चाहे वो घर में हो, घर के बाहर हो, या फिर निर्जन स्थान में चले जाएं, या फिर अपने घर की छत पे चले जाएं, कहीं भी जहां आपको एकांत होना चाहिए, और कुछ भी छोटी मोटी लकड़ी या कुछ भी ऐसा जला लें जिससे उसको, या फिर कुछ भी नहीं आपको मिले तो आप एक दीपक जला लें, या फिर हाँ दीपक जला के कोई भी सरसों के तेल में, और उसमें जो बाती है उसके साथ उसको रख दें, वो जल जाएगी। अगर ऐसे नहीं तो किसी बर्तन में कुछ इस टाइप की लकड़ी या कुछ अरेंज करके और उसकी आग जलाएं और उसमें उसको डाल दें। दोस्तों ध्यान रहे, आग जलाते समय आपको छोटी आग जलानी है,
कहीं किसी का कोई नुकसान ना हो, उस चीज का खास ख्याल रहे। जब आप उसको आग में डालें, उस टाइम आपको 5 बार जिस शत्रु का नाम लिखा है उस शत्रु का नाम लेना है, और उसके बाद अपनी कुल देवी से प्रार्थना करनी है कि इस शत्रु से मेरा पीछा छुड़ाओ माँ। बस दोस्तों, समझ लीजिए, आप इधर एक क्रिया करेंगे, शत्रु शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों दृष्टि से निर्बल होते चला जाएगा, और उसका जो भी ताकत है वो धीरे 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 खत्म होते चली जाएगी, लास्ट में वो किसी लायक नहीं बचेगा। तो चलिए दोस्तों, ये क्रिया बहुत ही पावरफुल है, करने के लायक है। किसी छोटी मोटी दुश्मनी के चलते दोस्तों इस क्रिया को ना करें, नहीं तो फिर इसका दुष्परिणाम भी आपको भोगना पड़ेगा। जब कैसे भी आपकी नहीं बने तब आप इस क्रिया का प्रयोग करें। चलिए दोस्तों, करते रहिए, करने लायक है। इसको करने या समझने में अगर आपको कहीं कोई असुविधा होती है तो पूछें अवश्य। नमस्कार दोस्तों।